और 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग संस्कृत विषय से विश्व शांति त्रयोदशा पाठ अर्थात 13 पाठ हम लोग पढ़ेंगे। त्रयोदशा पाठ 13 पाठ पढ़ेंगे जिसमें विश्व शांति के बारे में जिक्र किया गया है। तो विश्व शांति का मतलब तो आप भली भांति समझ रहे हैं कि विश्व शांति, आज विश्व के प्रत्येक देश अशांत स्थिति में बना हुआ है और इतना अशांत स्थिति में बना हुआ है कि आप देखेंगे कि एक देश दूसरे देश से कलह की स्थिति में है, कहीं आप देखेंगे सिर्फ युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो कहीं युद्ध की स्थिति बनी हुई है। जो इस पाठ में आपको कई तरह की बातों को समझाया गया है कि यहाँ विश्व युद्ध की जो बातें हैं, विश्व युद्ध से संबंधित या विश्व शांति से संबंधित जो बातें हम समझेंगे इसमें, इस पाठ के माध्यम से। जैसे पाठ के यहाँ सबसे पहले सारांश के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जैसे आप देखेंगे पाठे अस्मिन, जैसे आप यहाँ पाठ देखेंगे कि पाठ में वर्णन किया गया है कि पाठे अस्मिन संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरण से चरित्रम तत्वा माधानोपास्य निरुपायते, यानी कि कहा जाता है कि पाठ के अंदर यानी इस पाठ में जो वर्तमान संसार की बात आप समझेंगे तो इस वर्तमान संसार में अशांति का वातावरण यहाँ पे एक तरह से चित्रित करते हुए और इसके समाधान के उपाय को बताने का प्रयास किया गया है कि अशांति का क्या वातावरण है और अशांति के वातावरण के साथ इसका किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है, इसी का उपाय यहाँ पे बताया गया है। देशेषु आंतरिकी वाह्य च अशांति वर्तते, देशेषु यानी कि आप देखेंगे कि देशों के अंदर आंतरिक रूप से आप समझेंगे या बाह्य रूप से समझेंगे, यानी कोई भी देश है उस देश के आंतरिक रूप से समझेंगे या बाह्य चो अशांति वर्तते, आंतरिक या बाह्य रूप से वह अशांत की स्थिति में बनी हुई है। प्रत्येक देशों की दशा को आप समझेंगे तो प्रत्येक देशों की स्थिति इस प्रकार से ही बनी हुई है कि वह अशांति के वातावरण में छाया हुआ है, क्योंकि तामुपेक्षम न कशिश्चय स्वजीवनम नेतु समर्थ, यानी उसका अगर उपेक्षा करने की बात किया जाए तो उपेक्षा करने करके ही कोई भी अपना जीवन जीने में, यानी जो भी व्यक्ति होता है यानी कि स्वजीवनम नेतु समर्थ, जीवन जीने में वह समर्थ नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन जीने में समर्थ नहीं है। फिर यहां दिया गया है कि सेवम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुखस्य विषय, अर्थात यहाँ कहा जा रहा है कि अशांति जो है सार्वभौमिक यानी सभी जगह पे यानी सार्वभौमिक रूप के कारण होने के कारण ही क्या है कि यहाँ पे सभी लोग सर्वे जना तयाम अशांता चिंतिता, यानी सभी लोग यहाँ पे चिंतित स्थिति में बने हुए हैं, सबको एक तरह की चिंता सता रहा है, सभी देशों को अपने अपने देशों को चिंता में मग्न कर चुका है। क्यों चिंता में मग्न किया है, संसारे तनिवारण प्रयास क्रियन्ते, यानी संसार में आप देखेंगे कि इसको निवारण करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं इस अशांति के वातावरण को, जो भी अशांति है अशांति के वातावरण को यहाँ शांत करने के लिए, ये शांति में बदलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फिर हम यहाँ पाठ के अंतर्गत देखेंगे कि पाठ के अंतर्गत क्या वर्णन किया गया है, क्योंकि आपके जो पाठ के शुरुआती दौर है अर्थात इसको आप संक्षिप्तीकरण कह सकते हैं, और इसके बाद हम लोग मूल पाठ पे आते हैं कि मूल पाठ में क्या वर्णन किया गया है कि वर्तमाने संसारे प्रयास सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति अशांतिर्वा दृश्यते, अर्थात कहा जाता है कि वर्तमान संसार की बात आप समझेंगे तो वर्तमान संसार में प्राय सभी जगह पर अगर देखेंगे सभी देशों में देखेंगे तो एक तरह का उपद्रव की स्थिति बनी हुई है, यहाँ अशांति की स्थिति बनी हुई है और ऐसा ही स्थिति आपको दिखाई भी देता है कि उपद्रव की स्थिति आपको दिखाई देता है नहीं तो अशांति की स्थिति दिखाई देता है। क्वचिदेव शांतम वातावरणम वर्तते, क्वचिदेव शांतम वातावरणम वर्तते, यानी कि कहा जाता है कि कुछ ही देशों में आप देखेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ ही देशों में शांति का वातावरण निश्चित है, सभी देशों में अशांति फैली हुई है। अब उस सभी देशों में से कुछ ही देशों में शांति का वातावरण कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है, या फिर आप देखेंगे कि क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या श्रित्यम कलहो वर्तते, यानी कुछ ऐसे देश हैं जिसमें आंतरिक रूप से यानी आंतरिकी समस्या श्रित्यम कलहो वर्तते, आंतरिक रूप से वहां क्या है कि समस्या आधारित वह देश बन चुका है, क्योंकि उस देश में समस्या से ही वह देश जूझ रहा है। तेन शत्रु राज्यम
मोदमा नानी कलहम वर्धनती, और इस तरह से कुछ कलह के कारण ही अगर कहा जाए कि शत्रु राज्य जो है, यानी कि उसके जो जिस राज्य में यह कलह बनी हुई है तो उसके जो शत्रु हैं वह शत्रु यह मोदमानी कलहम वर्धनती, अर्थात वह निश्चित रूप से अपने शत्रु राज्यों को कष्ट में देखकर जो शत्रु राज्य है वह क्या करता है, खुशियां मना रहा है, मोदनानी यानी वह अपने आप में आनंदित हो रहा है। क्वचित अनेकेशु राज्यसु परस्परम शीत युद्धम प्रचलित, यानी कि कुछ राज्यों में आपसी युद्ध जो है, जिसे हम शीत युद्ध की स्थिति कह सकते हैं, या शीत युद्ध की स्थिति में देख सकते हैं कि यह शीत युद्ध वहां पे क्या है कि प्रचलित, यानी वहां पे प्रचलित है, शीत युद्ध की स्थिति वहां पे प्रचलित हो चुकी है। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कुल माध्यासीनो दृश्यते, अर्थात यहाँ कहा जाता है कि अशांति अगर एक तरह से देखा जाए कि वास्तव में यह संसार जो है, यह संसार पूरे विश्व को आप समझेंगे, अर्थात पूरा विश्व में अशांति के साथ सागर के तट पर अगर कहा जाता है कि अशांति सागरस्यम कुल मध्यास दृश्यते, कि उसके तट पर यह होते हुए नजर आ रहा है, हम सबको दिखाई दे रहा है। इसके साथ अशांतिस्य मानवता विनाश्य कल्पयते, यानी कि अशांति जो है, अशांति की स्थिति इस प्रकार से है कि मानव के अंदर या मानव के लिए विनाश कल्पना की जा सकती है, कि जहां पे अशांति है वहां पे मानव का विनाश होने की कल्पना आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, कि जहां पे भी अशांति होगा वहां विनाश होना तय है। फिर यहां अधम विश्व विध्वंस कारण कान्यस्त्राणी बहुनिया विस्कृति संति, यानी यह कहा जाता है कि यहाँ इस विश्व में अनेक प्रकार के विध्वंसकारी, यानी कि जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, तो विध्वंस यानी विध्वंस के लिए बहुत से सारे अस्त्र शस्त्र विश्व के अलग अलग देश अपने लिए निर्मित करने के प्रयास में जुटे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं। तरयो मानवता नाशस्य भयम, और इस तरह से एक समय ऐसे समझ में आ रहा है कि मानवता का नाश होने का भय सबके मन में सता रहा है, कि एक समय आएगा कि एक दिन मानवता का नाश हो सकता है, और इस तरह की स्थिति सबके मन के अंदर बनी हुई है, ऐसा भय सबके अंदर व्याप्त है, सभी लोग इस भय से त्रस्त हैं कि न जाने कब मानवता की स्थिति समाप्त हो जाए, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अगले पैराग्राफ में आप देखेंगे अशांति कारणम तस्या निवारोपासस्य सावधानतया चिंतयो, यानी कहा जाता है कि अशांति के कारण और कहा जाए कि उसके निवारण के लिए सावधानी पूर्वक सावधानम चिंतनीयो, यानी सावधानी पूर्वक हमें चिंतन करना चाहिए, हमें सोचने की बात अपने मन में लानी चाहिए कि यह संसार जो है आखिर में इस तरह के यानी अशांति की स्थिति में बना हुआ संसार है, इसके बारे में हम सभी पाठकों को निश्चित रूप से चिंतित होना चाहिए और सोचने की जरूरत है। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम्, वास्तविक रूप से अगर कहा जाए यानी कि इसका मूल कारण क्या है, कि मूल कारण के रूप में आप देखेंगे यह मालूम होता है या देखने पे वस्तुतः या देखने पे हमें समझ में आता है, वास्तविक रूप से कह सकते हैं असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम्, यानी कि असहिष्णुता जो है वास्तव में यानी यहाँ देखेंगे कि इसका ऐसे असहिष्णुता के कारण ही अगर कहेंगे कि कारणम एको देशे अपरस्यम उत्कृष्ट दृष्टवाम देशी तस्य देशस्य उत्कर्षना शाय निरंतरम प्राप्यते, अर्थात कहा जाता है कि जैसे यह संसार की नीति बनी हुई है, यानी इसके निवारण का यह पता चलता है कि जो ऐसे कि जैसे संसार की नीति बनी है, वास्तव में देश जो है या देश के और दूसरे की उन्नति को देखकर यहाँ पे क्या है कि द्वेषस एको देश उत्कर्ष दृष्टवा द्वेषस उत्कर्ष निरंतरम प्राप्यते, एक देश दूसरे की उन्नति को देखकर यहाँ पे जलन की भाव निश्चित रूप से रखता है। जैसे आप बिल्कुल समझेंगे वैसा ही जैसे आपके पड़ोसी की भाव होता है, आप अपने पड़ोसी के प्रति भाव रखते हैं या आपका पड़ोसी आपके प्रति भाव रखता है, आप देशों के बारे में भी ऐसा ही सोच सकते हैं, देशों के बारे में सही जान सकते हैं कि एक देश जब उन्नति करता है तो दूसरा देश उसके प्रति किस तरह से अपना एक तरह का बिहेव रखता है, किस तरह का अपना व्यवहार रखता है, अर्थात यहाँ द्वेषम असहिष्णुता, यानी एक देश उसके प्रति जैसे उन्नति वो करता है तो उन्नति के साथ वह देखकर ईर्ष्या करता है, और इस तरह देश की उन्नति के नाश का अगर कहा जाए कि असहिष्णुता जयन
जयंती, यानी इस तरह से उस देश की उन्नति की अगर बात किया जाए तो इस उन्नति में कहा जाता है कि यहाँ उस देश की उन्नति के नाश के लिए सदैव वह प्रयास करता है। और देश ऐसों दौसों परस्परम बैर मुक्ताद्यता, यानी इस तरह की अगर कहा जाए कि ऐसे देश की जो स्थिति बनी हुई है अर्थात ऐसे सुरता उत्पन्न होने के कारण दोनों देश जैसे इसमें आगे जो है कि द्वेषमेवासहिष्णुताम जनयति, यानी कि जैसे द्वेष होता है और असहिष्णुता, दो शब्द आते हैं आपके कि द्वेष और असहिष्णुता जनयति, यही इसका कारण होता है। इमो दोषे परस्परम बैर मुत्पादयता, यानी यही दो दोष होते हैं जो यहाँ सभी दोषों के कारण होते हैं। सर्वस्व वैरम प्राभ्यते, यानी स्वार्थ ही हम व्यक्तियों के अंदर दुश्मनी उत्पन्न करने का काम करती है, यानी स्वार्थस्य वैरम प्राभ्य, यानी स्वार्थ के माध्यम से ही बैर का यहाँ पे क्या होता है कि शुरुआत होता है, बैर यहाँ यानी दुश्मनी होने का कारण बनता है। स्वार्थ प्रेरितम जनम अहम अहभावेन परस्परम धर्मम जाति संपत्ति क्षेत्रम भाषा व न सहते, यानी स्वार्थ से जो प्रेरित व्यक्ति होते हैं, जो भी स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति होते हैं तो वैसे व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना होती है, वैसे व्यक्ति के कारण दूसरे के प्रति धर्म को छोटा देखने की भावना होती है, जाति के प्रति देखेंगे, संपत्ति के प्रति देखेंगे, भाषा के प्रति देखेंगे और इस सारे चीजों को वे सहते नहीं है अर्थात दूसरे के संपत्ति को, दूसरे के जाति को, दूसरे के भाषा को, दूसरे के धर्म को यह देखकर सहने के काम नहीं करते हैं अर्थात सहते नहीं। आत्मनम एवं सर्व मुत्कृष्ट मिति मन्यते, और इस तरह से अपने आप में अगर देखा जाए अपने आप को ही वे सबसे श्रेष्ठ समझने की भूल कर बैठते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं वे निश्चित रूप से उसके अंदर अहंकार की भावना कही जा सकती है कि उस व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना है। स्वार्थोपदेश से बलपूर्वक निवारणीय, और इस राजनीतिस्य अत्रम विशेषण प्रेरका, और राजनेतागण इसके प्रति अगर कहा जाए कि विशेष रूप से प्रेरक होते हैं कि राजनेतागण इसके प्रति विशेष रूप से प्रेरक माने जा सकते हैं। सामान्य योजना न तथा विश्वसन भी बलेन प्रेरिता जायते, और जो सामान्य लोग होते हैं उसमें विश्वास न होते हुए भी वैसे सामान्य लोगों के अंदर अगर इस तरह की भावना न हो, इस तरह की विश्वास नहीं हो, तो ऐसे विश्वास न होते हुए भी वैसे सामान्य लोगों के अंदर बलपूर्वक रूप से उसे भी प्रेरित करने का काम किया जाता है। स्वार्थोपदेश से बलपूर्वक निवारणियम, और अपने स्वार्थ को किसी भी प्रकार से पूरा करने के लिए अगर कहा जाए कि बलपूर्वक करने से हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि यही इसका निवारणियम, यही इसका उपाय है कि बलपूर्वक हमें अपने स्वार्थ का प्रयोग करने से बचना चाहिए। परोपकारम इति परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पादते तथा सर्वे स्वार्थो तेजेषु, यानी परोपकार करने की यदि इच्छा हो, परोपकार करने की यदि मन हो, तो परोपकार करने को यहाँ त्याग देना, जो परोपकार के रूप में अगर कहा जाए कि परोपकार करने की इच्छा यदि उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होना, और तभी सभी प्रकार के यहाँ कहा जाए कि परोपकारम प्रति तदा सर्वे स्वार्थ तेजसु, तो समझिए कि वह व्यक्ति जो होते हैं महापुरुष हो जाते हैं, वे सभी तरह के अपने स्वार्थ की भावना को त्याग देते हैं और वही व्यक्ति महापुरुष कहलाते हैं। अत्र महापुरुषम विद्वांसम चिंतकाश्च न बिरला संति, और इस तरह अगर कहा जाए कि यहाँ हमारे देश में महापुरुषों की अगर कही जाए तो महापुरुषों और विद्वानों की, यानी कि विद्वांसम महापुरुषा विद्वांसम, न तो महापुरुषों की और न ही विद्वानों की चिंतकाश्च न बिरला संति, कमी नहीं है हमारे देश में, न तो पुरुषों यहाँ विद्वान पुरुषों की कमी है और न महापुरुषों की कमी है। तेषां कर्तव्यमिदं यत जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परावर्त वृत्ति जनयेयु, यानी कि इस तरह से अगर कहा जाए कि उनका यह कर्तव्य बनता है, वैसे लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि जन जन के अंदर यानी पूरी जनता के अंदर, प्रत्येक समाज के अंदर, समाजे समाजे प्रत्येक समाज के अंदर, राज्य राज्य प्रत्येक राज्यों के अंदर च परमार्थ वृत्ति जनयेयु, अर्थात उसके अंदर जो है परमार्थ की भावना को जगाने का काम करना चाहिए। फिर यहाँ अगले पैराग्राफ में देखेंगे शुष्कम उपदेशस्य न प्राप्य, यानी कि केवल उपदेश देना ही पर्याप्त नहीं होता है, कोई भी काम करने के लिए सिर्फ उपदेश दे देने से ही पर्याप्त नहीं होता है, उस उपदेश को परिपालन भी करना होता है। वैसे उपदेश के साथ हमें
कठोरता से अपने आप में पालन करने की बात आनी चाहिए, क्योंकि प्रत्युतम तस्यम कार्यान्वयस् जीवने जीवने निर्वायम, अर्थात कहा जाता है बल्कि उनका क्रियान्वयन करना जीवन के लिए सबसे अनिवार्य कार्य हो जाता है। सिर्फ पर अगर हम यहाँ उपदेश देने की बात करें, उपदेश देने से सब कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि उसका क्रियान्वयन हम प्रत्येक मनुष्य के अपने अंदर करने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य को ऐसे क्रियान्वयन करना जरूरी होता है। देशानाम मध्य च विवादान समेतु मेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवृत्तम संस्था संते। और इस तरह से देशों के मध्य में अगर कहा जाए कि देशानाम सब विवादान, यानी देशों के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद अगर होता है तो वैसे विवादों के लिए सामेतु में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवृत्तम संस्था संति, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्था की यहाँ स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करेगा कि ऐसे संस्था जो होगा, इस तरह के संस्था के रूप में विवादों के यहाँ समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्था की यहाँ स्थापना की गई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, उसी का निवारण करने का कार्य करता है, और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की यहाँ पे संस्था है, ठीक है। और इस तरह से तस्य काले काले असंकित मपि विश्वयुद्धम निवारयन्ति। और इस तरह से आप देखेंगे कि हर काल में हर जगह पे, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इस ऐसे कार्यों के प्रति, यानी कि और समय समय पर किसी भी अगर कार्यों की बात किया जाए, युद्ध की आशंका को दूर करने का यह कार्य भी करता है। भगवान बुद्ध पूरा काले एवं वैरेण वैरस्य सवनम समनम असंभवम प्रोक्तवान। भगवान बुद्ध के समय की बात आप समझेंगे कि जैसे प्राचीन काल में, आप देखेंगे प्राचीन काल में ही यह कहा गया था, भगवान बुद्ध के द्वारा यह बातें कही गई थी कि बैर से बैर को कभी शांत नहीं किया जा सकता है, यानी बैर को मिटाना बैर से संभव नहीं है, बैर को कभी भी मिटाना है तो निर्बैर से ही मिट सकता है। अर्थात किसी नकारात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए वहां सकारात्मक कार्यों का होना जरूरी होता है, अर्थात किसी भी निर्बैर को ही माध्यम बनाया जा सकता है बैर को मिटाने के लिए। बिना निर्बैर का बैर कभी शांत नहीं हो सकता है, जो गौतम बुद्ध बहुत पहले कह गए थे इस बात को। अवैरण करुणाम मैत्री भावन च बैरस्य शांति भवन इति सर्वे मन्यते। और इस तरह से कहा जाता है कि अवैर जो होता है, यानी दया से और विनम्रता की भावना से जो शत्रुता होती है, इस शत्रुता को शांत किया जा सकता है। और नीतिकारा भारतीय नीतिकारा सत्य में उद्घोष्यन्ति, भारत के नीति में ही इस बात की घोषणा की जा चुकी है। जिस नीति को अगर हम समझेंगे कि भारतीय नीति में इस बात की घोषणा की जा चुकी है, इसकी घोषणा हुई है, या इसकी उद्घोषणा के बारे में कहेंगे कि अयम निजम परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधम कुटुम्बकम, यानी कि यहाँ कहा जा सकता है कि जिनका अगर चित ही चित, यानी कि मन की इच्छा जो है, तो जिसकी चित ही तुच्छ हो, वेति गणनाम लघु चेतसाम, यानी जिसका चित ही तुच्छ हो, वैसे लोग कहते हैं कि यह मेरा है, वह तुम्हारा है, यह इसका है, वह उसका है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उदार चित नाम तू वसुधैम कुटुम्बकम, और जिसका चित उदार होता है, जो उदार चित वाले होते हैं, उदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, वैसे व्यक्तियों के लिए तो कहा जाता है कि वसुधैव कुटुम्बकम, यानी पूरी संसार ही उनकी अपनी है, या संसार ही अगर कहा जाए कि यह संसार ही जो है कि पूरी धरती की बात की जाए तो धरती को एक जैसा ही समझते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं करते हैं। तो जिसका उदार चित होता है वह व्यक्ति ही ऐसा समझ सकते हैं। परिपिंडना पिंडनम आत्मनाशम जयते प्रोक्तरस्य शांतिकारणम भवति। और किसी भी पीड़ा को पहुंचाने के लिए अगर कहा जाए कि खुद से यह नाश होता है, यानी किसी भी पीड़ा को अगर पहुंचाने की बात होता है, पहुंचाने से अगर व्यक्ति के अंदर देखा जाए तो उसका खुद का ही नाश होता है, क्योंकि अधापि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सर सूर्योदय दृश्यते। यानी यद्यपि परस्य देशस्य, यानी चूंकि आप देखेंगे कि किसी भी देश का संकट काल है, जब संकट का काल आ जाता है, संकट का समय आ जाता है, अन्य देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति, तो आप जरूर देखेंगे कि दूसरा देश
जो उसका सहयोगी देश होता है, जो उसका सनिकट रहने वाला देश होता है, जो उसका पड़ोसी देश होता है, उसे क्या करता है कि सहायता राशि सामग्री यानी सहायता राशि भी पहुंचाता है, सामग्री भी संभव है तो सामग्री भी पहुंचाता है, प्रेषण यानी उसे प्रेषित करने का पहुंचाने का काम करता है। यानी कोई भी देश पे किसी प्रकार का संकट का समय आता है तो दूसरा देश जो होता है उसको सहायता राशि या उसको सामग्री पहुंचाने का काम करता है। इति विश्व शांति सूर्य दृश्यते, और इस तरह से कहा जाए कि नया सवेरा तब दिखाई देता है कि अब हमारा विश्व का नया सवेरा हो रहा है। तो इस तरह हम लोगों का यह पाठ आज समाप्त होता है। पुनः अगले सीरीज के साथ हम मिलेंगे, तब तक आप सभी को एक